जो पंकज यादव द्वारा जो एसीबी जांच की मांग की गई थी और हेमंत सरकार ने उसको मंजूरी दे दी, किस तरह से देखते हैं आप? रघुवर सरकार की कानून अपना काम करेगा, एजेंसियों को काम करने दीजिए, फलाफल तो अंततः कोर्ट को जाने हैं। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है और यदि दोषी होंगे तो दंडित होंगे, यदि निर्दोष होंगे तो बेदाग छूटेंगे। 2.5 साल के बाद एसीबी की जांच देने क्या जरूरी थे? नहीं, 2.5 साल के मसले नहीं हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। ये हमारे घोषणा पत्र का एजेंडा है जिस कार्यक्रम में आज आप खड़े हैं। इस घोषणा पत्र के एजेंडा को लागू करने में 2.5 साल लग गया। कोरोना का समय रहा हो, प्रक्रियाओं के सरलीकरण का समय रहा हो, नीतियां बनाने का समय रहा, तो इसको टाइमिंग से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ठीक है, जब जिसका समय आया उस हिसाब से निर्णय हुआ और निर्णय के बाद इसकी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी होगी। भाजपा कहना है कि ईडी के आंदोलन के विरोध में आप एसीबी जांच करवा, टिट फॉर टैट का आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। तब तो ये भी बात ना होनी चाहिए ना कि ईडी की जांच या ईडी की कार्रवाई के पीछे भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, एक संस्था जो कि जांच एजेंसी है, वो अपना काम निष्पक्ष तरीके से करेगी। देखा गया कि अब आवाज़ उठाते हैं विपक्ष की, जो विफलता उसकी आवाज़ अब उठाते रहते हैं, ये आपके विधायक दल में भी देखा गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी जो घटना घट रही है इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हम स्पष्ट ये मानते हैं कि आज मीडिया इतना प्रभावी है कि राज्य में या देश दुनिया में घट रही तमाम घटनाओं को पल में साझा करता है और जनता इतनी जागरूक है कि वो हर घटना को अपने तरीके से उसका विश्लेषण करती है। और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि 2019 में झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाले गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया था और ये 5 साल सरकार चलाने का बहुमत था। तो मेरा स्पष्ट यह मानना है कि इस दौर में यदि सरकार के कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है तो जनता उसको भी देख रही है और समय आने पर उसका जवाब। छोटा सा क्वेश्चन लास्ट आखिरी, राज्यसभा चुनाव में कौन से आपके साथ नहीं थे, तो आगे सरकार चलाने में कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कतई नहीं। कल माननीय मुख्यमंत्री मांडर के नॉमिनेशन में गए, जिस जेएमएम की जिस बैठक में सर्वसम्मत निर्णय हुआ था अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने का, उसी बैठक का यह सर्वसम्मत निर्णय था कि मांडर चुनाव में कांग्रेस के साथ हम लोग मजबूती से तन मन धन से खड़े रहेंगे। तो गठबंधन में गांठ के कोई सवाल नहीं है। और रह गया सवाल, आज महुआ माझी जी सर्टिफिकेट लेने जा रही हैं और महुआ माझी जी का सर्टिफिकेट लेने में हमारे सहयोगी कांग्रेस के लोग भी साथ में शामिल रहेंगे। भले ही कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में साथ ना हो, लेकिन जेएमएम का कहना है कि सरकार के हर बड़े काम छोटे काम में जेएमएम उनके साथ रहेगी, भले मंडल चुनाव हो या कोई दूसरे कार्य में। कैमरामैन विवेक के साथ जॉय गुरु, न्यूज़ अपडेट, झारखंड।